रामपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सभा मर्रो में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। धनुपुर ब्लॉक से संवाददाता विकास कुमार भारतीय व विकास कुमार की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद प्रयागराज विकासखंड धनुपुर ग्राम सभा मर्रो सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में भारत विकसित संकल्प यात्रा का कार्यक्रम ग्राम प्रधान राकेश कुमार के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री मदन लाल बिंद रहे। वही शेषमणि मिश्रा एडो पंचायत व लेखपाल व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सहायक प्रबंधक वांगनवाड़ी सहायिका व कृषि विभाग आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल मौर्य सहित अन्य विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां पर भारी संख्या में ग्रामीणों लोग पहुंचकर अपनी समस्या जैसे उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन न मिलना, सफाई को लेकर आवास न मिलना आदि समस्या से अवगत कराया। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर से प्रारंभ होकर 26 जनवरी तक 2024 तक आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सारी योजनाएं लोगों को बताना और जागृत करना। इस दौरान मुख्य अतिथि मदन लाल बिंद ने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को योजनाओं की जानकारी नहीं होने के कारण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रचार माध्यमों से शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दूर दराज में पात्र और जरूरतमंद नागरिकों तक पहुँच रही। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री मदन लाल बिंद ने भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में भाजपा कटहरा मंडल उपाध्यक्ष बालकृष्ण शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय जगदीश त्रिपाठी लल्लन, चतुरपट्टी ग्राम प्रधान ओंकार तिवारी बंटी, ग्राम प्रधान हरिपुर मिशपुर सौरभ तिवारी, वरिष्ठ ग्राम सभा नागरिक ओंकार नाथ शुक्ला लल्ले, प्रधानपति ग्राम सभा कलना शकील अहमद, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि मर्रो हरिश्चंद्र विश्वकर्मा सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों द्वारा आरोप को लेकर जब पत्रकार द्वारा उक्त ग्राम प्रधान से पूछा गया तो प्रधान राकेश कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सारी योजनाएं जो पात्र है उनको तक पहुंचाया जा रहा है और जो भी समस्याएं हैं उसको निराकरण किया जाएगा। प्रधान राकेश कुमार द्वारा आए हुए सभी लोगों का आभार जताया। मैं मदन लाल बिंद, पूर्व राज्य मंत्री, निवर्तमान क्षेत्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा काशी क्षेत्र, मदन लाल बिंद। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपको आशीर्वाद लेते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से मुझे जुड़ने का आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि जो कार्यक्रम कराया जा रहा है तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? क्या पब्लिक में जागरूकता की कोशिश की जा रही है या जो उपलब्धियां सरकार द्वारा की गई है उसे बताया जा रहा है? देखिए, मेरा भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन किसी भी सरकार ने ग्रामवासियों के दुख दर्द को देखने का काम नहीं किया। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2019 में प्रधानमंत्री बने, इन्होंने एक योजना बनाई और यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी महाराज जी ने, इन लोगों ने योजनाएं बनाई कि जब तक मेरा ग्रामवासी विकसित नहीं होंगे, ग्राम किसान नहीं विकसित होंगे, गांव की जनता विकसित नहीं होगी। क्योंकि शहर के लोग खुशहाल होते हैं, लेकिन गांव की जनता जब तक खुशहाल नहीं होगी तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता। उसी के विकास के कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के हर ग्राम पंचायत के हर प्राथमिक विद्यालय पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा जो जनहित की योजनाएं चलाई जा रही, उन योजनाओं के लिए हर जगह ये जो है पंडाल लगाया जा रहा है जिसमें 17 विभाग के अधिकारी उपस्थित हो रहे हैं, जो केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा जनहित की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस मंच के माध्यम से चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हों, चाहे पशुपालन विभाग के अधिकारी हों, चाहे बैंकिंग के अधिकारी हों, चाहे हमारे आपूर्ति विभाग के अधिकारी हों, चाहे जल जीवन मिशन के अधिकारी हों, सारे अधिकारी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और जनता की जो समस्याएं हैं उसको नोट किया जा रहा है। क्यों?
कि जो आवास की सबसे बड़ी समस्या आवास लोगों को मिल रहा है, पिछली जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर आवास मिल चुका है, और यह कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है कि जो 40% अंतिम व्यक्ति में जो गरीब दबे कुचले लोग हैं जिनको लाभ नहीं मिला है, चाहे आवास का लाभ हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे गैस का हो, चाहे विद्युत कनेक्शन हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, जो व्यवस्थाएँ नहीं मिल पाए हैं 40% लोगों को, उन लोगों को यह व्यवस्था देने का काम चल रहा है। सफाई के ऊपर देखा जाता है कभी आरोप रहते हैं जी, सफाई के ऊपर बेसिक आरोप है, इसमें कोई दो राय नहीं, किस किस मतलब किसी लापरवाही है, पूरी बात हमारी खत्म होने दीजिए। जैसे सफाई की लेके एक समस्या क्या रही है कि इसके पहले जब ये संविदा कर्मचारी हुआ करते थे तो बकायदे हम लोगों की सुनते थे और बकायदे काम करते थे। पिछली सरकार जो समाजवादी पार्टी सरकार बनी उन्होंने इन लोगों को अस्थायी कर दिया, जहाँ पेरोल पे हम लोग सिग्नेचर करते थे उनकी बाध्यता थी कि हमारा ये कहने पर वो आपके दरवाजे पर सर के बल खड़े रहते हैं, अब वो उनकी बाध्यता खत्म हो गई। अब पता चला हमारे गांव में पिछले 4 महीने से सफाई कर्मचारी नहीं है और 8 महीने उसके पिछले से नहीं आ रहा था। लगातार DPRO की शिकायत करने के बाद DPRO महोदय ने हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी नियुक्त कर दिया, आगामी 1 सप्ताह से उसकी ज्वाइनिंग हुई रामनारायण की, और ये समस्याएं अब नहीं रहेंगी। आगे से ये समस्या खत्म जी।